कितना फीट से निकाला गया वो लेंगे अभी इक्यानवे जीरो तीन चेचे छुआइए नीचे वाला छोर है ना उसको छुआइए नीचे बाबू हाँ नीचे ज्यादा सीधा करिए उसको अरे हाँ निचला पकड़ो ना राजकुमार जी ऐसे करिए तो सीधा हाथ लगा सीधा कर अब हाँ अब छोड़िए इसके हाइट पे अनुमान करिए कितना पी गया ये कितना है कितना है छियासठ सेंटीमीटर कितनी गहराई से लिया गया है पाला सैंपल ये मिलीमीटर है ना ये हाँ ठीक है ठीक है चार पाँच सेंटीमीटर ही है ना रूपी में एक पत्थर गिरने की सूचना मिली थी आकाश से और वो क्या है लोगों में ये जानकारी कि बहुत सारी मतलब फेरी हो रहा था बहुत अलग अलग तरीके से आपके माध्यम से भी हो रहा था तो हमको लगा कि ये उचित फोरम है आप सभी लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। इसी के मद्देनजर ये घटनाक्रम ऐसा है कि कल कुड़ियाही चौक है लौकी प्रखंड में वहाँ पे चौक के बगल में एक खेत पे वहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा बताया गया और वहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया कि एक ऐसे ऐसे पत्थर मिलने की सूचना मिली है। वहाँ पे जो खेत में काम कर रहे थे वो उनको बता रहे हैं कि ये आकाश से गिरा है और थोड़ा सा गर्म था जब गिरा था और वो जो वहाँ पे थोड़ा सा एक गड्ढा नुमा बन गया है इस साइड तो उसी क्रम में जो है उस पत्थर को हमारे थानाध्यक्ष के द्वारा जो है प्राप्त किया स्थानीय लोगों के द्वारा उसकी जब्ती सूची बनाई गई और अंचल अधिकारी को उन्होंने सुपुर्द किया गया और अंचल अधिकारी के द्वारा जो है रात को इसे ट्रेजरी ऑफिस जिले में जो है सुरक्षित रखा गया ताकि अगर आगे इसमें कोई कार्रवाई करनी है तो हम इसको उचित फोरम या उचित रिसर्च प्लेटफॉर्म पर इसको भेज सके। फिलहाल ये जो स्टोन हमको प्राप्त हुआ है इस पे कमेंट करना क्योंकि आई एम नॉट अ रिसर्चर लेकिन एक थोड़ा सा अनोखा तो है ही चुंबकीय मतलब इसमें लोह गुण ज्यादा दिखते हैं और ये जो प्राप्त हुआ है इसको हम स्टोन है या मेटल है वो आपको दिखाएंगे हम वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार सरकार है तो उस पर उचित निर्णय लेगा और वो हम आज ही या कल तक उनका जैसे हमको रिस्पॉन्स मिलेगा उसके बाद जो है हम उसको उनके यहाँ पे भेज देंगे तो इसको बोल सकते हैं राजू राजू ए राजू हाँ घटाइए ना।